हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अनुहरण से आप क्या समझते हो। अनुहरण का मतलब होता है किसी की नकल करना, ठीक है ना। जब एक जंतु किसी दूसरे जंतु की नकल करता है, मतलब उसके समान दिखाई देता है, ठीक है, उसके समान दिखाई देने का वो नाटक करता है या अपनी रचना में ऐसे परिवर्तन लाता है ताकि वो किसी दूसरी रचना के समान दिखाई देता है, ठीक है ना, ताकि वो अन्य जंतु उसे पहचान न पाए। मतलब खुद की रचना में बदलाव करके दूसरे जंतु के समान दिखाई देता है ताकि उसे अन्य जंतु पहचान न पाए। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनुहरण कहते हैं। और ऐसा वो क्यों करता है, लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। मतलब उसे किसी न किसी प्रकार का इससे लाभ होता है, या तो वो शिकारियों की नज़र से बच जाता है, या शिकारी को खुद को खतरनाक दिखा के शिकार होने से बच जाता है, या फिर वो खुद दूसरे जंतु से दिखाई देकर क्या करता है, शिकार कर लेता है, ठीक है ना। जैसे सांप अपनी पूंछ से क्या होता है, कीड़े जैसी रचना बनाता है, और पक्षी जब उनको खाने आते हैं तो वो सांप उन पक्षियों को ही क्या कर लेता है, पकड़ कर उनका शिकार कर लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, अनुहरण होता है लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। अब वह जंतु जो दूसरे की नकल करता, मतलब जो अनुहरण कर रहा है, उसे बोलेंगे मिमिक। और वो जिसके समान दिखाई देने का नाटक कर रहा है, जिसकी नकल कर रहा है, उस जंतु को बोलते हैं मॉडल, ठीक है ना। ठीक है, अपन हमने जो उदाहरण दिया है उसमें हमने बोला सांप, कुछ सांप होते हैं अपनी पूंछ को इस तरह से हिलाते कि वो कीड़े जैसी दिखाई देती है और वो बाकी छुपे हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो फिर वो कीड़ा जो होगा वो मॉडल कहलाएगा, और सांप जो अपनी पूंछ को कीड़े जैसी होने का नाटक कर रहा है, तो सांप को बोलेंगे मिमिक, ठीक है ना। तो अनुहरण सामान्यतः शिकारी जंतु से बचने के लिए, मतलब कुछ जंतु जो छोटे छोटे होते हैं या थोड़े बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी अन्य जंतु जैसा नाटक करते हैं, मतलब जो ज़्यादा खतरनाक हो, ठीक है ना, लेकिन वो असल में होते नहीं है, ताकि शिकारी उनसे डर जाए और वो शिकार होने से क्या जाते, बच जाते हैं, या फिर शिकार करने के लिए किया जाता है। जैसे अभी सांप का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।